सोमवार को कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की खुशी से लबरेज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महानगर के चेतना तिराहे चौराहे पर अपनी खुशियों का इजहार करते हुए तिरंगा और भगवा लहराते हुए घंटों तक आतिशबाजी की और एक दूसरे के गाल पर गुलाल और अबीर लगाकर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। उत्साह से लबरेज कार्यकर्ता गगन वेदी नारे लगाते हुए मोदी जी और अमित शाह के इस साहसिक निर्णय को प्रणाम किया। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि आज पूरा देश मोदी जी और अमित शाह जी की इस साहसिक निर्णय के साथ खड़ा है। इस ऐतिहासिक निर्णय ने प्रत्येक भारतवासी के मन में एक सशक्त सरकार और भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में होने की भावना को जागृत किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की घटनाओं में कमी आएगी और वहां के कश्मीरी बंधु भारत की मुख्य धारा से जुड़ जा पाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत समन्वय प्रमुख विष्णु प्रताप सिंह, महानगर उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, महानगर संयोजक देवी लाल गुप्ता, देवेश वैश्य, अमित पांडे, सूरज उदय, राजा राय, रूप रानी, विनीता अनुराग, अंकित मिश्रा, राष्ट्रवादी मुकेश दुआ, रमानंद संजय, राकेश महेश गर्ग, आशुतोष मिश्रा, योगेंद्र सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, नीरज साहिबपुर, महामंत्री गोरखपुर विश्वविद्यालय, भारतीय जनता पार्टी। देखिए पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। जहां बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, इस कथन को हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको चरितार्थ किया है और पूरा देश देश आजादी के बाद पूरा देश जिस क्षण का इंतजार कर रहा था उस क्षण से गौरवान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा किया है। दुर्गेश त्रिपाठी, आज केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार ने देश हित में जो इतना बड़ा फैसला लिया है, कश्मीर भारत का भी था, है और रहेगा। वहाँ धारा 370 समाप्त करके वहाँ के लोगों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, उसकी पूरे देश में जितनी खुशी है कम नहीं है। आज हम लोग उसी क्रम में गोरखपुर में भी हम लोग ने यहाँ पर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के खुशी जाहिर किया है और ये प्रत्यक्ष किया है कि मोदी जी पूरा भारतवर्ष आपके पीछे खड़ा है। आप एक से एक कड़ा निर्णय लीजिए और जल्द से जल्द राम मंदिर का भी निर्माण करिए। भारत माता की जय।